नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे नवंबर महीने में होने वाले बदलाव को लेकर। नवंबर का महीना इस बार त्योहारों के लिहाज से बहुत ही हरा भरा रहने वाला है। आपको बता दें कि इस महीने में करवा चौथ के साथ धनतेरस, दिवाली, छठ पूजा, एकादशी जैसे त्यौहार आ रहे हैं। इस त्योहारी सीजन में कई फाइनेंशियल नियमों में भी बदलाव देखने को मिलने वाला है, जिसका सीधा असर आपके और हमारे जेब पर पड़ने वाला है। 1 नवंबर को लेकर यह कहा जा रहा है कि कई तरह के नियमों में बदलाव हो सकते हैं। KYC जरूरी। 1 नवंबर से होने वाले बदलावों में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी बीमा धारकों को KYC कराना अनिवार्य कर दिया है, जिसका आपके क्लेम पर असर पड़ने वाला है। यदि आप नियम का पालन नहीं करते हैं तो आपका क्लेम रद्द हो जाएगा। GST के नियमों में बदलाव। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की माने तो 100 करोड़ रुपये और उससे ज़्यादा के कारोबार करने वाले बिजनेस को 1 नवंबर से 30 दिन के अंदर ई चालान पोर्टल पर GST चालान अपलोड करना होगा। आपको बता दें कि NIC ने यह निर्णय सितंबर में लिया था, जो 1 नवंबर से लागू होने की संभावना जताई जा रही है। लैपटॉप इंपोर्ट के लिए डेडलाइन। भारत सरकार ने लैपटॉप इंपोर्ट, पर्सनल कंप्यूटर और कई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के इंपोर्ट पर 30 अक्टूबर तक की छूट दी है। यह कहा जा रहा है कि 1 नवंबर से इस नियमों में भी किसी तरह के बदलाव होने पर यह कहना अभी जो है मुश्किल है कि 1 नवंबर से इसको जो है किस तरह से एक्सटेंड किया जा सकता है। इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी अभी साझा नहीं की गई है। अब लेन देन पर देना होगा एक्स्ट्रा टैक्स, यानी कि एक्स्ट्रा पैसे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 20 अक्टूबर को जारी अपने बयान में कहा है कि नवंबर महीने की पहली तारीख को इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट पर लेन देन शुल्क बढ़ाने की बात कही गई है। बता दें कि BSE ने अपने बयान में यह कहा है कि यह बदलाव S&P BSE ऑप्शंस पर लगाए जाएंगे। ऐसे में कहा गया है कि लेन देन की लागत बढ़ाने से इसका असर व्यापारियों पर देखने को मिलने वाला है। ऑनलाइन शॉपिंग नियम में होगा बदलाव। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजन भी अपने नियमों में बदलाव करने जा रही है। अमेजन ने अपने बयान में कहा है कि वह किंडल पर सपोर्टेड फाइलों के लिए सपोर्ट को ख़त्म कर रहा है। साथ ही साथ यह भी कहा है कि 1 नवंबर से MOBI फॉर्मेट का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तेल और गैस के दावों में हो सकता है बदलाव। देश में तेल कंपनियों पर माह का पहले तारीख को LPG, CNG और PNG की कीमतों में अपडेट करती रही है। 1 नवंबर से गैस सिलेंडर की कीमत में भी बदलाव किया जा सकता है। ऐसे में यह संभावना है कि त्योहारी सीजन होने के कारण इस बार गैस सिलेंडरों की कीमतों में कोई खास बदलाव की संभावना अभी तो नहीं दिख रही है। LIC पॉलिसी होल्डर ध्यान दें। यदि आपका LIC की पॉलिसी ले रखी है और प्रीमियम नहीं भर पाने के कारण लैप्स हो गई है तो आप 31 अक्टूबर तक इसे एक बार फिर से शुरू कर सकते हैं। इस लैप्स पॉलिसी को फिर से शुरू करने के लिए LIC ने स्पेशल कैंपेन लॉन्च किया है। इसके तहत 1 लाख रुपये के प्रीमियम पर लेट फीस 30%, यानी कि अधिकतम 3,000 रुपये की छूट मिल जाएगी। इसके अलावा 1 लाख से 3 लाख के बीच में 30%, यानी कि अधिकतम 3,500 रुपये और 3 लाख से अधिक पर 30%, यानी कि 4,000 रुपये की रियायत मिल सकती है। तो ये थे 1 नवंबर से होने वाले बदलाव, जिसका असर हमारे और आपके जीवन पर पड़ने वाला है। बिहार और बिहार से जुड़ी भी और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।